सो हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल carken.com में। सो गाइस, आज हमारे सामने हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो SLE वेरिएंट। अगर मॉडल नंबर की हम बात करें 2012 आपको मिल जाता है। सो गाइस, इसी तरह की वीडियो इन फ्यूचर में देखने के लिए, या फिर आप अगर कोई भी कार परचेस करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, बेशक आप इंडिया के किसी भी स्टेट, किसी भी कस्बे, किसी भी गांव, किसी भी शहर से क्यों ना हो, तो सबसे पहले जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे YouTube चैनल carken को, और उसके बाद में बेल नोटिफिकेशन का घंटा दबा करके ही जाना जब जाओगे। तो गाइस, सबसे पहले सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, अच्छी ना लगे डिसलाइक करना। तो चलिए, रोज़ की तरह आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक बेहतरीन गाड़ी, जो कि कम बजट में है और कम ही प्राइस में आपके लिए होने वाली और कम चली हुई है। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले आप अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है अजय गौतम और आप देख रहे हैं carken YouTube चैनल, जहाँ पर आपको डेली वेज एक नहीं दो गाड़ियाँ मिलती हैं आपके बजट में। जैसा कि देख सकते हैं गाड़ी काफ़ी सारी हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे फाइनली स्कॉर्पियो SLE कार के बारे में। तो गाइज़, कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज़, अगर आप इस कार को परचेस करना चाहते हैं तो आप परचेस कर लेना, पहले डिटेल सुन लो, उसके बाद ही आप परचेस करना। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आपको फिर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो फाइनली हम बात करेंगे कार की फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट प्रोफाइल आप देख सकते हैं कार की, आपको हेडलाइट मिल जाती है, उसके साइड में आपको LED मिल रही है और फोग लैम्प आपको अवेलेबल मिल रही है। और बात करी जाए अगर मॉडल नंबर की तो 2012 मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन की अगर बात करी जाए तो UP 16 नंबर स्टडी कार आपको मिल जाती है। अगर लोकेशन की बात की जाए तो भाई ये नोएडा की कार है, लेकिन इस टाइम खड़ी हुई है गाज़ियाबाद में। नोएडा और गाज़ियाबाद सटीक मिले हुए हैं। बाकी गाइज, अगर हम बात करें कार के एक्सटीरियर की, तो इसमें आपको मिल जाता है ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 180 mm का। बाकी गाइज, स्कॉर्पियो कार के बारे में आप जानते हैं कि किस टाइप की कार होती है। SUV बॉडी टाइप आपको मिल जाता है, कार एक नंबर कंडीशन में यह है। अगर आप परचेस करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर आपका कोई फ्रेंड या आपकी फैमिली मेंबर में से कोई बंदा परचेस करने के बारे में सोच रहा है कि वो परचेस करे और उसको सवारी टाइप में या फिर गाँव में, कस्बे में कहीं पर चलाए और उसे काफ़ी मोटी रकम कमाए, तो गाइज आपके लिए बेस्ट कार है, क्योंकि कम प्राइस में आपके लिए पड़ने वाली है। आप इसे खरीद करके कहीं पे भी सवारी वाले काम में इस गाड़ी को लगा सकते हैं और अच्छी खासी मोटी इनकम इससे कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रंट प्रोफाइल आपको मिल जाती है बिल्कुल बढ़िया। कार पे दोबारा डेंट पेंट आपको नहीं मिलता, बाकी ये थोड़ा डेंट मिल जाता है, पूरी गाड़ी पेंट नहीं है। और वहीं अगर हम बात करें कार के टायर के बारे में, तो टायर इसके बदलवा रखे हैं, लेकिन कार के जो ये टायर हैं 80% फ्रेश कंडीशन में मिल जाते हैं, बाकी 20% घिसे हुए हैं। और वहीं हम बात करें एलॉय की, तो एलॉय भी आपको फिटेड मिल जाते हैं। और देखिए, अब डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं आपको और महिंद्रा का लोगो मिल जाता है अलॉय में। और इंडिकेटर वगैरह की बात करें तो ये भी आपको सही मिल जाता है। साइड मिरर की हम बात करें तो यहाँ से थोड़ा बहुत टूटा हुआ है, और यहाँ देखिए जुगाड़ से जोड़ रखा है इन्होंने, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2012 का भी तो मॉडल नंबर है ना। और यहाँ देखिए स्कॉर्पियो की आपको बैजिंग मिल जाती है प्लास्टिक में, फाइबर प्लास्टिक होता है, और यहाँ से थोड़ा पेंट इसका उखड़ा हुआ है, बाकी देख सकते हैं ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पीछे वाले टायर एक बार देख लीजिए, टायर की कंडीशन तो काफ़ी प्यारी आपको मिलनी है। और फ्यूल टाइप डीजल है आपका, इतना तो आपको पता ही होगा। और बैक प्रोफाइल से देख लीजिए, अगर हम बैक प्रोफाइल से बात करें कार की, तो बैक में आपको कैमरा मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कैमरा ये रहा। बाकी कैमरा इसका शायद रनिंग नहीं है, अभी वर्क नहीं कर रहा अच्छी तरह से। आप लेंगे तो आप करवा लेना, क्योंकि इतनी बड़ी कार लेने के बाद में थोड़ा बहुत तो करवाना पड़ता है। कैमरा ही दिक्कत कर रहा है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी की एक एक चीज़ दिखा दूँगा, देखिए जो रिफ्लेक्टिंग वाली लाइट होती है, जिस पर लाइट्स पड़ के ये लाइट जलती है, वो भी आपको नहीं मिलती सही, थोड़ी टूटी हुई है, दूसरी वाली सही है। और अगर हम बात करें टेल लाइट्स की, तो काफ़ी बड़ी टेल लाइट मिल जाती है SLE में। और सबसे बड़ी बात गाइस, इस कार पे अभी तक इंश्योरेंस वैलिड है, जिसको बोलते हैं बीमा हिंदी लैंग्वेज में। तो इस कार पे आपको बीमा मिल जाता है 2022 के अक्टूबर तक का। और देखिए ये वाली जो टेल लाइट है वो भी सही है, अंदर आपको थोड़ा पानी भरा हुआ आपको मिल जाता है इस कार में, क्योंकि बारिश वगैरह पड़ी थी और ये कार भारी थी। बाकी बैक में देखिए आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, और यहाँ आपको मिल जाता है वाइपर, जो कि सही वर्क कर रहा है वाइपर। चलिए दिखा देता हूँ पीछे से एक बार बूट खोल के। यहाँ अगर हम बात करें बूट की, तो बूट स्पेस काफ़ी बड़ा मिल जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा, काफ़ी बड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा। इसमें देखिए सीट हैं दो, जो कि ऑरेंज कलर और ब्लैक कलर की बनी हुई है रैक्सिंग में। बाकी गाइस, अगर आप यहाँ पे अपने पैसेंजर वाले बंदों को बिठाना चाहते हैं वो बिठा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेस मिल जाता है। और अगर वो नहीं रखना चाहते तो आप इसमें स्पेस वगैरह में अपना सामान लगेज वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको मिल ही जाता है। और साथ में बैक में आप देख सकते हैं आपको डबल स्पीकर मिल जाते हैं। और अगर हम इस वाले मिरर की बात करें, तो ये एक बिल्कुल परफेक्ट मिल जाता है विदाउट स्क्रैच के। और देखिए जो इसकी रबड़ वगैरह होती है,
क्रोम बोल सकते हैं, एक तरह से रबड़ होती है ये, वो आपको सही मिल जाती है। और ये शायद लाइट चेंज कराई हुई है, देख लीजिए। बाकी ये देखिए मैट आपको पीछे मिल जानी है जो कि प्लास्टिक की है ना, तो डबल मैट आपको मिल जानी है। बाकी चलिए बंद कर देता हूँ और अब हम बात कर लेते हैं कार के इंटीरियर के बारे में। तो चलिए ड्राइवर वाले विंडो से हम स्टार्ट करेंगे। बाकी देखिए ड्राइवर वाले डोर के पास में भी आपको स्कॉर्पियो की बैजिंग मिल जानी है और यहाँ देखिए फुटरेस्ट आपको मिल जाता है अच्छा कंडीशन में, और फुटरेस्ट जो है इसका वो भी आपको मिल जाता है सिल्वर का। चलिए अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस कार के अंदर आ चुके हैं और स्टीयरिंग पे महिंद्रा का लोगो मिल जाता है और यहाँ देखिए आपको एल आर लेफ्ट राइट और जो मिरर का है वो यहीं से कंट्रोल आपको मिल जाना है, ठीक है। और यहाँ पावर विंडोज़ के कंट्रोल हैं जो कि अंदर ढके हुए हैं, नहीं दिख पा रहे, देख लीजिए चारों विंडोज़ के पावर के कंट्रोल मिल जाते हैं आपको। और ये आर्म रेस्ट जो है थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों या फिर ऐसे ही होता है, मुझे तो लग रहा है कि ये थोड़ा मुड़ चुका है। बाकी देखिए आपको फर्श पे मैट मिल जाती है जो कि ब्लैक कलर की, और इस मैट के नीचे एक और आपको मिल जाती है जो कि कंपनी से ही आई थी। बाकी देखिए टच स्क्रीन आपको मिल रही है इसमें क्योंकि कैमरा है, मैंने जैसा पहले बताया था कैमरा वर्क नहीं कर रहा। और वुडन फिनिशिंग के साथ में आपको मिल जाता है म्यूजिक सिस्टम जिसके अंदर आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं सिंपली। और यहाँ देखिए कंट्रोल्स वगैरह की अगर हम बात करें तो एसी के कंट्रोल हो या लाइट के कंट्रोल हो, सब कुछ आपको रनिंग कंडीशन में परफेक्ट कंडीशन में वर्क करता मिलेगा गाड़ी में, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही गाइस बात की जाए अगर स्टीयरिंग पे, तो स्टीयरिंग पे आपको कवर मिल जाता है रेक्सिन का जो कि बिल्कुल सही है, कहीं से आपको सिलाई भी नहीं मिलेगी हल्की सी भी निकली हुई, ना ही स्क्रैच वगैरह मिलेगी गाड़ी में। तो देखिए अगर हम बात करें लाइट्स वगैरह की, तो लाइट्स भी इसकी आपको मिल जाती है सही रनिंग कंडीशन में वर्क करती हुई चलती हुई। बाकी अभी गाड़ी बंद है तो लाइट नहीं जलेगी। और यहाँ देखिए आपको मिल जाता है ये 12 वोल्ट की बैटरी का स्लॉट और एक स्लॉट आपको पीछे भी मिलना है, डबल स्लॉट मिल जाते हैं आपको, ठीक है। और गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रही है, अच्छी कंडीशन में है, रनिंग कंडीशन में हर चीज़ मिल जाती है। गाड़ी अभी तक एक्सीडेंटल नहीं है और भाई सेकंड ओनर गाड़ी है, अभी तक इंश्योरेंस वैलिड है। और यहाँ विडन फिनिशिंग में आपको डबल एसी यहाँ मिल जाता है, एक एसी वो रहा और एक एसी ये रहा। फ्रंट में ही आपको ड्राइवर वाली जो सीटें होती हैं वहाँ पर आपको चार एसी मिल जाते हैं और दो एसी मिलते हैं पीछे, तो एसी तो मिल रही है, एसी होल एक तरह की गाड़ी है। बाकी अगर आप परचेस करना चाहते हैं या फिर आपकी फैमिली मेम्बर में से गाइज तो आप परचेस कर सकते हैं क्योंकि ये परफेक्ट कार है। और गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर अगर अभी तक आप न्यू हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, घंटा दबा के जाना सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिख रहा होगा, क्योंकि आपका भाई आपके लिए इसी तरह की वीडियो इन फ्यूचर लेके आने वाला है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करता है। देखिए यहाँ पे आपको स्पीकर इंक्लूडेड मिलने वाले हैं विंडोज़ में, यहाँ मिल जाता है और यहाँ पर भी मिल जाता है। बाकी देखिए स्पेस की अगर हम बात करें तो स्पेस मिल जाता है डाटा केबल के साथ में, ऑक्स स्लॉट नहीं है लेकिन इसमें यूएसबी स्लॉट आपको अंदर मिल जाता है, सॉरी ऑक्स स्लॉट भी आपको मिल ही रहा है, इन्होंने सिस्टम जुगाड़ से कर रखा है जो भी है। बाकी साइड मिरर देख लीजिए, साइड मिरर भी आपको मिल जाता है बिल्कुल सही कंडीशन में विदाउट एनी स्क्रैच। और वहीं अगर हम बात करें बैक सीट के बारे में तो वो सीट कवर ऑरेंज के मिल जाते हैं आपको और फ्रंट में भी ऑरेंज प्लस ब्लैक के कॉम्बो मिल जाते हैं। बॉडी टाइप एसयूवी मिल जाता है और कार्बन फाइबर की बॉडी आपको मिल जाती है। डैशबोर्ड देख लीजिए दूर से इस तरह का मिलेगा देखने को, ज़्यादा कुछ नहीं है, ना स्पेसिफिकेशन ना ज़्यादा फंक्शन आपको मिलता है, लेकिन फिर भी गाड़ी बढ़िया है ये, क्योंकि अगर आप चलाना चाहते हैं इसे सवारी वगैरह के मामले में तो आप ले सकते हैं। चलिए दिखाता हूँ पैसेंजर साइड वाली सीट पर जाके आपको। पैसेंजर साइड वाला डोर ओपन करके अंदर आ चुके हैं और यहाँ देखिए फिनिश के साथ में आपको विंडोज अप डाउन का बटन मिल जाता है और यहाँ थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है, वहाँ बोतल रखने का स्टैंड आपको मिल रहा है और सेम आपको मैट मिल जाती है फर्स्ट पे भी चीज़, और पीछे जैसा मैंने आपको बताया था डबल एसी मिल रहा है। अब देखिए डैशबोर्ड आपको किस तरह से मिलता है, चार एसी आपको ड्राइवर वाली सीट पे, दो पैसेंजर वाली सीट पे, तो बिल्कुल कंफर्टेबल हो के आप इस पे तीन बंदे यहाँ बैठ सकते हैं, दो वहाँ और दो वहाँ, सात सेवन सीटर गाड़ी है, सात बंदे बैठ सकते हैं आराम से, लेकिन आठ नौ बंदे भी एडजस्ट कर सकते हैं इसमें अगर दूर जाना है या फिर अगर पतले पतले हैं तो बैठ सकते हैं। बाकी देख लीजिए सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है। तो फाइनली अगर हम बात करें प्राइस के बारे में तो ओनर इसके मांग रहे हैं अभी तक 5 लाख रुपए जो कि नेगोशिएबल है।
अगर आप परचेस करना चाहते हैं या हमारे थ्रू आप आएंगे यहाँ पे, तो 10-20 हज़ार आपको नेगोशियबल हो जाएगा। ये आपको पड़ जाएगी लगभग 470 के करीब में, 480 के करीब में। तो परफेक्ट कंडीशन की कार है यार, स्कॉर्पियो इतनी सस्ती नहीं मिलती जितनी मैंने आपको बता दी है। बाकी अगर परचेस करना चाहते हैं परचेस कर लीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती हमारी नहीं है, बस हम कार की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं और लाएंगे भी इन फ्यूचर। सो अगर आपको कोई भी कार अच्छी लगे परचेस कर सकते हैं, अच्छी ना लगे परचेस मत करना। लेकिन गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आपका भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है वीडियो बनाने में। उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना। लेकिन चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, साइड में बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा उसे दबा करके ही जाना गाइस। और सबसे ज़रूरी बात गाइस आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई ये इतने पैसे की कार है इतनी की नहीं होनी चाहिए। भाई देखो, जिसकी भी गाड़ी होती है पार्टी की या फिर ओनर की या फिर डीलर की, हमें मतलब होता है गाड़ी की वीडियो बनाने से और आपको डिटेल देने से, ठीक है। हमें भी खुद का अंदाज़ा नहीं होता कि आपके लिए महंगी है सस्ती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई बंदा तुमसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, वो आपको लेनी है तो ले सकता है, अगर नहीं लेनी है तो मत लेना, कोई बात नहीं। लेकिन गाइज प्लीज़ इस तरह के कमेंट्स बॉक्स में जा करके ना करें, हमें भी बुरा लगता है, दिल दुखता है। सो गाइज उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अच्छी ना लगे डिसलाइक करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।